सब्सक्राइब कीजिए आर के लर्निंग चैनल को और बेल आइकन प्रेस कीजिए सबसे पहले लेटेस्ट वीडियोस पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर के लर्निंग एकेडमी। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं डी टी प्लस बी की ऑफिशियल वेबसाइट, इसमें पर हम विजिट कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यहां पर जो भी लेटेस्ट अपडेट है, आज 25 नवंबर 2021 में जो भी नया नोटिस जारी किया गया है, उसी को हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। ओके, तो फ्रेंड्स पहले हम अपडेट को चेक कर लेते हैं। देखिए, आज है 25/11/2021 और अभी दोपहर के 2:30 का समय है। तो फ्रेंड्स, ये लेटेस्ट अपडेट हम आप लोगों के लिए आज लेकर आए हैं। यहाँ देखिएगा नोटिस नंबर 57, सब्जेक्ट क्या रहेगा वो भी आप देख लीजिएगा। नोटिस फॉर रिलीज ऑफ मार्क्स एंड कॉलिंग ऑफ ईडोजीएस फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। पोस्ट कोड फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं 112/20, 112/20 ये पोस्ट कोड है आपका, टेक्निकल असिस्टेंट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा टोटल वैकेंसीज थी ये 10, जिसमें की ईडब्ल्यूएस की 1 है, जनरल की 4 है, ओबीसी की 3 है, एससी की 1 है और एसटी की 1 है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखेगा 425 कैंडिडेट ने इस एग्जाम को दिया था, जो कि सीबीटी मोड में कंडक्ट किया गया था। और ये जो 425 कैंडिडेट्स हैं फ्रेंड्स, इनके जो मार्क्स हैं DSSBOnline.NIC.in इस ऑफिशियल वेबसाइट पर इनके मार्क्स को रिलीज कर दिया गया है। और कट ऑफ आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, 200 मार्क्स का आपका ये एग्जाम था, जिसमे की जनरल की कट ऑफ रही है 106.25, AWS की कट ऑफ रही है 95.50, OBC की कट ऑफ रही है 98.75, SC की जो कट ऑफ है 88.75 और ST की कट ऑफ है 71। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये आपकी कट ऑफ जारी कर दी गई है। ओके, तो फ्रेंड्स जिन कैंडिडेट ने इस एग्जाम को दिया था, इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग अगर आपके मार्क्स बनते हैं या फिर इससे ज्यादा बनते हैं, तो आप लोग यहाँ पर ईडोजीर को अपलोड कर सकते हैं। और ईडोजीर आप लोग कब तक यहाँ पर अपलोड कर पाएंगे वो देख लीजिएगा। ईडोजीर का लिंक आपका ओपन रहेगा 15 डेज तक। ठीक है फ्रेंड्स, और आपकी जो डेट है 26 नवंबर 2021 से लेकर के 10 दिसंबर 2021 तक आप लोग ईडोजीर को अपलोड कर सकते हैं। तो 15 दिन का आपको यहां पर समय दे दिया गया है। ओके फ्रेंड्स, तो यहां 10 नंबर पॉइंट और आप देख लीजिएगा। ऑल द कैंडिडेट्स हु हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर अपलोडिंग ईडोजीएस मस्ट अपलोड देयर ऑल रिक्वायर्ड एप्लीकेबल डॉक्यूमेंट्स इन द सेड लिंक इन स्टिपुलेटेड टाइम 26/11/2021 से लेकर के 10/12/2021 तक आप लोग अपने सब डॉक्यूमेंट्स को ईडोजीएस में अपलोड कर दीजिएगा, जिनके भी मार्क्स इस कट ऑफ के अकॉर्डिंग बनते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज ये डी टी प्लस बी के एक लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए निकल कर आ रही है। और फ्रेंड्स, एक अपडेट ये जारी की गई है, जो की है आपकी 24/11/2021 की। यहाँ देखिएगा फ्रेंड्स, नोटिस नंबर है 1402, टेक्निकल असिस्टेंट आईटी इनेबल्ड सर्विस एंड मैनेजमेंट। तो यहाँ पर देखिएगा फ्रेंड्स, ईडोजीएस के रिगार्डिंग ये भी अपडेट है, जिसमें कि 7 कैंडिडेट को यहाँ पर अपॉर्चुनिटी दी गई है ईडोजीएस को अपलोड करने के लिए। ओके, तो ये रोल नंबर आप लोगों के यहाँ पर दे दिए गए और रिमार्क्स में जो डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने है वो आपके मेंशन कर दिए गए हैं। तो आपके रोल नंबर के सामने आप लोग देख सकते हैं जो भी डॉक्यूमेंट आपके पेंडिंग है वो यहाँ पर आपको सबमिट करने हैं। ऑप्शन भी दी गई है, अगर एक डॉक्यूमेंट आपका नहीं है तो इसके ऑप्शन में आपको दूसरी चॉइस भी यहाँ पर दे दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपने रोल नंबर को देखते हुए और जो भी आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट मांगे गए हैं, उनको जल्द से जल्द आप लोग अपलोड कर दीजिएगा। और ये डॉक्यूमेंट आप कब तक अपलोड कर पाएंगे, ईडोजीएस का जो लिंक है आपका 25 नवंबर 2021 से लेकर के 29 नवंबर 2021 तक अवेलेबल रहेगा। तो फ्रेंड्स, आप लोग जल्द से जल्द अपने रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज और अभी की यही एक लेटेस्ट अपडेट थी, जो कि डी टी प्लस बी के द्वारा अभी अभी जारी की गई है, हमने आप लोगों के साथ सबसे पहले शेयर करने की कोशिश की है। ओके फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आप लोगों को जरूर इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिएगा, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब कैंडिडेट्स तक पहुँच सके। और वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आती है तो लाइक भी किया कीजिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लोगों की कोई क्वेरीज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ओके फ्रेंड्स, तो फिर मिलते हैं किसी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। टेक केयर एंड थैंक यू सो मच।